नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज का स्पेशल वीडियो हमारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23, जी हां, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 वो आधारित है। तो ये परीक्षा प्रारंभ से ही विवादित रही है, निरंतर विवादों में ये घिर रही है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर सेकंड काउंसलिंग भी संपन्न हो चुकी है, लेकिन सेकंड काउंसलिंग के बाद भी आपके लगभग 2000 पद खाली हैं। और इस संबंध में जो आपके भू अभिलेख आयुक्त श्री विवेक पोरवाल जी ने जो जानकारी दी है सूत्रों के अनुसार, तो उन्होंने ये कहा कि अब तीसरी काउंसिल नहीं होगी, क्योंकि नियमों में ये प्रावधान था कि दो ही काउंसलिंग होगी। तो द्वितीय काउंसलिंग के बाद भी, जैसा हमने बताया आपको, कि 2000 पद जो है वो अभी भी खाली हुए हैं, यानी कि 2000 अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन तीसरी काउंसिल से इनकार किए जाने के कारण से तीसरी काउंसिल आपकी नहीं होगी और ये 2000 पद जो है ये आपके जो अगली भर्ती परीक्षा होगी उसमें भरे जाएंगे। तो इतनी भारी मात्रा में खाली पदों का रहना के कई कारण है आपके, जैसे कि जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी वो छोटी मेरिट लिस्ट थी, और दूसरी बात थी जो कि जो प्रथम काउंसलिंग में जो बच्चे उपस्थित नहीं थे तो उन्हीं को जो है सेकंड काउंसलिंग में बुलाया गया। इस प्रकार से सेकंड काउंसलिंग के बाद भी एक भारी मात्रा में, जी हाँ, 2000 पद जो है वो खाली रह गए हैं। और इसका हम घटनाक्रम बता दें कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती 2022-23 का एग्जाम आपका जो है मार्च अप्रैल 2023 में हुआ था, और करीब 12 लाख इसके लिए आवेदन आए थे, जिसमें से 9,78,000 लोगों ने ये एग्जाम दिया आपका। और ये हुआ क्या कि 30 जून को वो आपका ग्वालियर के एक सेंटर में मेरिट में आने वाले 10 अभ्यर्थियों में से 7 अभ्यर्थी इसी कॉलेज के थे, इस कारण से ये एग्जाम आपका जो है विवादित हो गया। और इस विवाद को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई, रिटायर्ड जज राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने जो है वो अपना रिपोर्ट पेश की, जी हाँ, 30 जनवरी 2024 को। और इस रिपोर्ट में पटवारी भर्ती परीक्षा को जो है क्लीन चिट दे दी गई। तो 30 जून को इसका रिजल्ट आया, और शीघ्र ही आपकी इसकी जो है वो 24 फरवरी से इसकी पहली काउंसलिंग करा ली गई, और पद खाली रहने के कारण से वेटिंग लिस्ट में जो बनाई गई थी उसके आधार पर दूसरी काउंसलिंग आपकी 9 मार्च से शुरू की गई और ये भी संपन्न हो चुकी है आपकी। और इस काउंसलिंग के बाद भी करीब, जैसी जानकारी मिल रही है, कि 2000 पद आपके खाली रह गए। तो हमने बताया कि खाली रहने के मुख्य कारण थे कि वेटिंग लिस्ट का छोटा होना, और दूसरा जो प्रथम काउंसलिंग में अभ्यर्थी गैर हाजिर थे, अनुपस्थित थे, उन्हीं को फिर से बुला लेना। तो छात्र हितों को देखते हुए, क्योंकि पटवारी भर्ती परीक्षा काफी वर्षों में आती है, लगभग 4 से 5 वर्ष बाद आई है ये, तो अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए इसकी शीघ्र ही जो है वो तीसरी काउंसलिंग भी करवानी चाहिए, जो 2000 के आसपास पद खाली है उनको भी शीघ्र भरा जाना चाहिए। तो हमारी यही शासन से अनुरोध है कि इसकी तीसरी काउंसलिंग भी कराई जाए, और जो पद खाली रह गए हैं उनको अगली परीक्षा में न भर करके इसी परीक्षा जो आपका हुई है आपकी मार्च अप्रैल 2023 में, इसी परीक्षा को आधार बना करके तीसरी काउंसलिंग में भी जो पद खाली हैं उनमें भी अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप इस चैनल में नए हैं और पहली बार हैं तो इस वीडियो को आप जो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी रोजगार संबंधी आपकी जो अपडेट मैं इस चैनल में देता रहता हूं वो आपको मिल सके। तो एक बार फिर से शासन से अनुरोध है कि इसकी मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 की तीसरी राउंड की काउंसलिंग भी करवाई जाए, ताकि
अन्य अभ्यर्थियों को पटवारी बनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये बात शासन तक पहुंच सके और शासन बच्चों को हित में को देखते हुए एक लोक कल्याणकारी डिसाइड करे और तीसरी काउंसलिंग की भी जल्द डेट घोषित करे। तो आज इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।